बस फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा, खिलेगा, हम खिलाएंगे, हम खिलाएंगे कमल, हम खिलाएंगे कमल। अब चुनाव होगा विकास के आधार पे, हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं। कि आरिफ अकील है तो वो मुसलमान है तो हम उन्हें वोट दें? बिल्कुल नहीं देंगे। जो हमारा विकास करेगा हम उसे वोट देंगे। पाकिस्तान की बाकायदा प्लानिंग की यहाँ की और क्या तरीका? देखिए, पाकिस्तान को लेकर के हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिल में एक मोहब्बत का जज्बा तो है, कुदरती तौर पर है, क्योंकि इस मुल्क को बनाने में हमारी जदाद का भी एक रोल है और बड़ी कुर्बानियाँ हैं। कि उनको हमेशा इस बात पर गुस्सा आता है कि तुम्हारा मुल्क बन गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हमसे कहा जाता है कि मुसलमानों के दो ही स्थान मतलब जगह, या पाकिस्तान या कब्रिस्तान। यहाँ रहना तो हिंदू बनकर, वो कहते हैं वंदे मातरम कहना होगा, आगे भारत में रहना होगा। इस तरह के उनके बहुत सारे स्लोगन्स हैं। जो स्कूल सरकारी मुसलमानों के इलाके में होते हैं वहाँ किसी भी तरह की कोई एजुकेशन नहीं होती, लेकिन वंदे मातरम जरूर पढ़ाया जाता है, भोज मंत्र जरूर पढ़ाया जाता है, ठीक है, सरस्वती की पूजा जरूर कराई जाती है, या वो जो क्या कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स से। नमस्कार, हाँ जी जी जी, सबके साथ। को भी राजस्थान सरकार की तरफ से स्मार्टफोन मिला है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ, दरअसल इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत येलो सरकार से मिले मोबाइल में 24 दिन में धमाका हो गया। मामला अजमेर के कोटरा का है, जहां पर एक लाभार्थी के यहां पर अलमारी में रखे फोन में ब्लास्ट हो गया, जिससे अलमारी में रखा 21,000 रुपए कपड़े और डॉक्यूमेंट जल गए। वहीं लाभार्थी महिला ने मोबाइल की क्वालिटी पर सवाल खड़े किए।